तो बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे अगले लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो रहेगा कि नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। अब वो नंबर्स रैशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रियल के जितने पार्ट्स होंगे सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर का मैंने जो अपलोड किया था, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता रहा तो सारे लेक्चर्स को मैं सीरीज़ में अपलोड करते रहूँगा। फिलहाल आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो हमारा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो दो पार्ट में होता है, रियल एंड इमेजिनरी। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो जी, रियल नंबर्स मैंने सीधा यही बोला था कि नंबर लाइंस पर जितने भी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो होते हैं क्या, रियल नंबर। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये जो रियल नंबर होते हैं इनके टू पार्ट्स मैंने बता रखे थे, याद होगा, करेक्ट, हाँ सही है। मतलब क्या, रैशनल और इरेशनल, करेक्ट। रैशनल नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और क्या कर सकते हैं, इरेशनल तिरछा जा रहा है, कोई बात नहीं, इरेशनल, ठीक है, रैशनल और इरेशनल। अब इन लोगों को भी जल्दी से रिवाइज करा देते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको वैसे तो PYQ के फॉर्मूले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर अभी मैं तीन फॉर्मेट मैंने बताया था कि तीन तरीके से पहचान कर सकते हैं रैशनल नंबर का। पहला होता है क्या, सारे नंबर जो PYQ के फॉर्म में हो, क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बारे में अगर डिस्कशन करी जाए तो काफ़ी कुछ है कि क्यू जीरो क्यों नहीं होता है। अब समझते हैं, जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा, कि जैसे मान लो किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, मान लो 1 है, उसको अगर मान लो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर 1 मीटर का कोई लेंथ का कोई भी ब्लॉक है या कुछ भी है या बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट है उसके 4 पार्ट्स कर रहे हैं। अगर ऐसे ही बढ़ाते जाएँ डॉट करके इनफाइनाइट पार्ट्स कर दें, इनफाइनाइट का मतलब इतने ज़्यादा कि जिसको हम लोग काउंट ना कर सकें। बताओ, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, अगर इतने छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसको अगर डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब इनफाइनाइट पार्ट्स हो गए हैं। अब बताओ, एक अगर मैं उसमें से पार्टिकल उठाऊँ और कहूँ उसकी लेंथ बताइए, तो टेंडिंग टू जीरो माना जाएगा। टेंडिंग टू जीरो क्या, इनफाइनाइट करते समय सीधा जीरो, ठीक है। तो इसी का रेसिप्रोकल कर लो ना बच्चा, सीधे क्या, अगर मान लो मैं जीरो से डिवाइड करूँ, जैसे मान लो अगर कोई नंबर है, मान लो वैसे ही 1 ही लेता हूँ मैं, अगर 0.00000001 इतने पार्ट्स में, ठीक है। अब इतने छोटे नंबर से अगर 1 को डिवाइड किया जाएगा तो ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी आएगी। पता है ही कैसे डिवाइड करते हैं, जितने जीरोस आफ्टर डेसिमल जितने नंबर्स है उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इधर से डेसिमल रिमूव हो जाता है, ऊपर ऐड हो जाते हैं नंबर्स, जीरोस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा P/Q, क्योंकि बताओ ये तो काफ़ी लार्ज नंबर है, तो सोचो अगर इसको बहुत ज़्यादा दूर तक लेके जा करके जीरो टेंड कराएं। वैसे तो जीरो एग्जैक्टली जीरो अभी ये बहुत बड़ा है, जीरो से ये बहुत बड़ा नंबर है। एग्जैक्टली अगर इसको काफ़ी आगे तक लेके जाए, जीरो ही कर देते हैं सीधे, तो ये नंबर जो है इतना लार्ज जाएगा कि जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जीरो अगर हो गया क्यू तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सीधी बात है, अगर क्यू जीरो हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। आगे इसके समझ में आ ही गया होगा, जितना ये छोटा होगा इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, नीचे वाला जितना डिनोमिनेटर में बड़ा होगा वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, समझना जरा। तो ये हो गया हमारा, अभी यहाँ पे रैशनल का पहला पार्ट मैंने बताया कि PYQ के फॉर्मेट में है। मैंने बोला था रियल नंबर्स के बारे में क्या, कि कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, करेक्ट बच्चा, ठीक है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये जो रियल है, इसके जो दो पार्ट्स हैं रैशनल और इरेशनल, इसका मतलब है इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये जो रैशनल है, इसके दोनों अदर पार्ट्स जो है, एक PYQ के फॉर्मेट में है, दूसरा टाइप जो है इसका वो हम लोग कह सकते हैं NRT, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम लोग जस्ट पहले इसको रिप्रेजेंट करके देखेंगे, फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर एक और करेंगे, कौन सा वाला, RNT, मतलब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब सबका नाम मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो पहले से भी जानकार हो चुके हैं, ठीक है, वो अलग बात है मैंने बनाया है, ठीक है। देखो, इरेशनल नंबर्स
इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल का मैंने दो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें से एक को ही रिप्रेजेंट करना है, दूसरे वाले को नहीं करना है। ये मैंने पहले में बताया था क्यों नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप, पहले तो उसके टाइप जैसे किस टाइप को हमको जो रिप्रेजेंट करना है। तो इरेशनल जो होता है, या तो स्क्वायर रूट के अंदर सारे नंबर जो भी होते हैं वो सब इरेशनल होते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं इरेशनल, मैंने बोला है ना इरेशनल के रियल के जितने पार्ट्स हैं सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये लोग भी तो इरेशनल भी तो रियल का ही पार्ट है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इरेशनल का एक पार्ट है स्क्वायर रूट टू थ्री फाइव फोर, नहीं लिखा मैंने, समझ में आ रहा है ना। फोर लिखते ही वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। टू का पेयर बन रहा है तो पेयर बनते ही स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, और अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो वो तो रेशनल का पार्ट हो गया पी अपॉन, क्योंकि फॉर्मेट में आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टाइप का, ठीक है। तो ये नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो कि रूट के अंदर डेसिमल हो जाए, रूट के अंदर अगर कोई डेसिमल नंबर्स आ जाए तो उसको भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी तो इरेशनल है, तो करेक्ट उसको भी देख लेते हैं। रूट 4.4 9.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट अक्सर आने वाला क्वेश्चन, रूट 7.8 डॉट डॉट, ठीक है। और एक बात और मैंने बताई थी कि एनआरएनटी इरेशनल की डेफिनेशन। तो मैंने मुझे जो आज रिप्रेजेंट करना है वो जैसे मान लो 2/3 7/5 इस टाइप के डॉट डॉट डॉट, इन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। इधर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग की बात अगर करें तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग में भी कुछ होते हैं, जैसे क्या 2.5 इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अभी क्लोज कहाँ कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2.75 3.173, इससे ज़्यादा कोई फालतू है नहीं कोई मतलब। और रिपीटिंग, अब देखो ये टर्मिनेटिंग वाला है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट ना करे टर्मिनेट हो जाए। तो आफ्टर डेसिमल देखो एक पॉइंट पे जाके डेसिमल वो टर्मिनेट कर गया, अगला वाला जो है वो दो पॉइंट पे जाके टर्मिनेट कर गया, ये तीन पॉइंट पे जाके टर्मिनेट कर गया। रिपीटिंग वाले क्या होते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट करते चले जाते हैं, बार बार एक ही नंबर रिपीट करेगा। तो लिख देते हैं इसको भी एक दो, इसी के ऊपर बार लगा देते हैं, क्या दिक्कत है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे 2.5 पे बार, 2.75 इसके ऊपर बार, 1.732 लो चेंज कर देते हैं, बार बार वही सेम नंबर नहीं तो इसके ऊपर बार लगा दिए। तो इन सारे नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे आज का टॉपिक रहेगा, आज के लेक्चर का। सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, क्या रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 3/7 काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिलहाल, 1/2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन, करेक्ट। तो 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो काफ़ी इजी सा लिया मैंने। फिर 3/5 कर देंगे लो, फिलहाल 1/2 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन क्या, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नंबर लाइन बोला ही जाएगा क्योंकि ये इस पे सारे नंबर्स रिप्रेजेंट हैं। अब देखो जरा, मिड पॉइंट पे 0, इधर 1, इधर 2, डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, मान लो यहाँ पे मैं प्लस माइनस 1/2 कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इधर आते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, फिर इधर का डॉट डॉट डॉट, याद रखना ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। फिर यहाँ पे हो गया माइनस का 1, यहाँ हो गया क्या माइनस का 2, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर्स को, तो जरा समझते हैं। देखो यहाँ पे हमको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो 1/2 मतलब क्या, हाफ। अब देखो डिवाइड में क्या है, 2, तो जो डिवाइड में है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहली बात तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो 0 और 1 को इसके बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मिड पे एक मैंने नंबर ड्रॉ कर दिया। अब देखो यही जो है पहला वाला पार्ट हमारा बन जाएगा क्या, 1/2 प्लस का, 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा हाफ, ठीक है। अभी इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, 0 और माइनस 1, तो इसके हाफ में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, करेक्ट। तो इस तरह से हमारे दोनों नंबर्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं नंबर लाइन पर, ये तो काफ़ी ईजी सा हो गया। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 3/5 ऑन, अब प्लस माइनस लगाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बार देख लेते हैं, बाकी आगे तो समझ में आ ही गया है, ऑन नंबर लाइन, करेक्ट, ठीक है। तो रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन, इसको हम लोगों को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो समझते हैं पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिड पॉइंट पे क्या हो जाने वाला है? जीरो। राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स। अब देखते हैं जरा 3/5 कैसे आने वाला है। तो 1, 2, 3 फिलहाल यहीं पे मुझे समझाना था, जो कॉन्सेप्ट बताना था ध्यान देना, जो डिवाइड में है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है मैंने। अब यहाँ ऊपर न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा निकला, बहुत ही ध्यान से समझना एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा निकला तो जो नंबर लाइन पे हम लोग उसको डिवाइड करेंगे वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। मैं सीधे करने वाला हूँ, क्या कुछ ज़्यादा ही दूर करना पड़ेगा? लो ये हो गया, ये हो गया 2, थोड़ा इसको दूर तक लेके चलते हैं, शेयर कराते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो क्या है कि रिप्रेजेंट करने में क्लियर विजिबल हो, वैसे नहीं तो छोटे छोटे हो जाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता। देखो रिप्रेजेंट 3/5 ऑन नंबर लाइन, तो 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। याद रखना जो डिवाइड में है उतने पार्ट्स में डिवाइड करनी है, वो तो मैं करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक बात जो है बेसिक वाला ये है, 3 न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा निकला तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। दूसरी बात, अगर ये डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो गया, न्यूमरेटर बड़ा निकल गया, तो वो 1 से ग्रेटर होगा। अब कितने टाइम्स डिवाइड चला जा रहा है उतने पे जाएगा। फिलहाल मैं इसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर जो है ये छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये इसके बीच में ही कहीं लाई करने वाला है। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, 5/6 जा, तो यानी 0.6 ही आने वाला है, तो 0.6 इसके बीच में ही लाई करेगा। अब उसको तो मैंने बात करी नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से हम लोग अभी इसको P/Q के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जरा डिवाइड में क्या है, 5, तो ये 0 और 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, देखो जरा 1, 2, 3, 4, 5, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखना जरा, पहला वाला पार्ट हो जाएगा कितना, ये इतनी जो डिस्टेंस आई है वो होगी कितना, 1/5, करेक्ट, छोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, चलो तो 1/5, ये डिस्टेंस जो है 1/5 है। इसके आगे वाली डिस्टेंस वो भी कितनी होगी, 1/5 होगी। इसके आगे वाली डिस्टेंस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना हम लोग, तो ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, आगे कंटिन्यूसली बढ़ते जाओ, सारे नंबर्स 1/5, मतलब सारा जो पार्ट्स है सारे पार्ट्स 1/5 होंगे, ठीक है। 1/5, 1/5, लास्ट वाला भी कितना आने वाला है, 1/5, ठीक है। अब ये तो 1/5 है, लेकिन इसके आगे ये भी तो 1/5 है, अगर 0 से मेज़र करी जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, 1/5, इतना अगर ऐड कर दिए 2/5 0 से, क्योंकि सारे डिस्टेंसेज जो मेज़र करे जाते हैं वो तो 0 से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं, इसको ओरिजिन बोला जाता है, तो ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 0 से 1/5, 1/5, 1/5, तो मैंने क्या रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखते हैं, इधर अपन करने जा रहे हैं, इरेज करूँ इसको, समझ में आ गया है। तो 3/5 को करना है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/5, करेक्ट बच्चा। दूसरा नंबर 2/5, थर्ड वाला 3/5, क्या बात है, 3/5, फोर्थ वाला, यस 4/5, करेक्ट, और लास्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा 5/5, कैंसल होके 1, समझ में आ रहा है, ओके। इसके आगे जब जाएंगे, मान लो मुझे यही क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि अभी दूसरा नंबर तो लेना ही है। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं कर दे रहा हूँ 8/5, कोई दिक्कत हो तो बोलना, 8/5 को रिप्रेजेंट करना है। देखो ज़रा 5 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड करना है, लेकिन ये जो लोकेट करेगा वो 1 और 2 के बीच में, क्यों पता चली गया होगा, 5 1 5 बचा 3 5, 1.6 आने वाला है। फिलहाल देखते हैं, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे भी डिवाइड में क्या है, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 पार्ट्स में, इसको भी 5 पार्ट्स में, तो 1, 2, 3, 4, 5, आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ तो 5/5 तक अपन आ चुके थे, इसके आगे चलते हैं 6/5, ये 6/5, ये 7/5, ये हो जाएगा अपना 8/5, नंबर लाइन पे 8/5 अपना यहाँ पर है, और क्या करना था 3/5, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लोकेट हो चुका है, समझ में आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अब एक और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद इरेज कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, रिप्रेजेंट, अब थोड़ा सा 7 करते हैं, ठीक है, 3/7 एंड 9/7,
ऑन नंबर लाइन, इसके आगे माइनस लगा दे क्या, ओके अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जरा देखना 3/7, यहाँ भी सेवन दोनों, इसीलिए मैंने लिखा ही है क्योंकि दोनों के जो है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरा नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जरा, एक हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, ठीक है, मिड पे क्या रहने वाला है सबको पता है, ओरिजिन है, जीरो रहेगा। अब आना तो लेफ्ट में था, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, फिलहाल एडजस्ट कर लेंगे अपन। यहाँ पे कर लिया मैंने क्या 1, इधर क्या कर दिया 2, आगे डॉट डॉट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होने वाला है, आगे डॉट डॉट करके इधर प्लस का 1, यहाँ प्लस का 2, इधर क्या हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। अब देखना ज़रा, यहाँ पे 3/7 लिखना है, प्लस का है तो ये तो आगे जाने वाला है, लेकिन किसके किसके बीच में आएगा, न्यूमरेटर छोटा, करेक्ट, तो न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, हमेशा याद रखना बच्चा, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। दूसरी बात, अगर ये न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया तो कितना ग्रेटर है वो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 7 का, अगर 9 है यहाँ पे देखो 7 1 जा 1 point something आने वाला है, तो ये हमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ 7 parts में डिवाइड करना है, तो देखो जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमको तो 3/7, देखो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा 1/7 क्योंकि 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड वाला यहां से यहां तक तो ये 1/7 है, ये भी 1/7 है, तो यहां से अगर ओरिजिन से मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2/7, यहां ओरिजिन से तीसरा वाला अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/7, ओरिजिन से अगला जाएंगे तो 4/7, 5/7, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को तो जो चाहिए था वो मिल चुका है, पर कोई बात नहीं 6/7, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था 1, यहाँ पे लिखा था 2, तो यहाँ 7/7 कैंसिल होके 1, 8/7, 9/10, 11/12, 13/14/7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स है। देखो जरा, यहाँ पे भी 7 parts करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 एक्स्ट्रा हो गया, लो करेक्ट, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1/7 माइनस का, -2/7, -3/7, तो यहाँ तक क्या आया होगा -7/7, तभी तो आया -1 और ये क्या है -2, तो ठीक है -7/7 जो हुआ यहाँ पे -1 आ गया। अब -8/7, -9/7, -10/7, 11/12 इसको भी 7 parts में डिवाइड करना, याद रखना, तो ये -7/7 यहाँ -8/7 यहाँ पे आएगा अपना क्या माइनस का 9/7, करेक्ट, माइनस बाहर लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाहर अंदर कहीं लगाओ, यहाँ पे जो हमारा आया ये रहा जो है क्या 3/7, ओके, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरह से नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अगले वाले टॉपिक में अभी इतना ही है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर जिससे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इरेज करते हैं इसको। P/Q वाले को किसी भी नंबर को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसके बाद ये जो RNT है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो देखो जरा पहले हम लोग करने वाले हैं किसको, NRT नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वाले को, ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलो एक नंबर पहले लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो वो था PYQ वाला फॉर्मेट था, सेकेंड मान लेते हैं, चलो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग पहले हम लोग करने जा रहे हैं नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग को, ठीक है, NRT ऐसे नंबर्स को। तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो समझते हैं जरा, जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई ऐसा नंबर 2.7, ठीक है 2.7, बताओ रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है, आफ्टर डेसिमल ये एक पॉइंट पे जाके खत्म हो गया है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो देखो जरा इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर ले लेते हैं क्या 2.7, लो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या आया नंबर लाइन, ठीक है करेक्ट, बीच पे क्या है ओरिजिन यानी कि 0, ओके। अब उधर 2.7 है तो यानी कि यहां पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट का, यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4 इधर आएगा माइनस का इनफाइनाइट ... करके, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 याद रखना, इसको काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। 2.7 करना है, बताओ इस 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अगर तो वहाँ पे काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, मैग्निफिकेशन
करेक्ट, टेंथ में पढ़ोगे मैग्निफिकेशन, उसमें आएगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने लगा दिया यहाँ पे, देखना जरा कैसे लगाते हैं, ऐसे, ये मैंने ग्लास लगाया मैग्नीफाइंग ग्लास। अब उसको थोड़ा सा जूम करके देख रहे हैं, जरा देखना जूम करते हैं। अब वो पबजी वाले बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे, ये हो गया हमारा टू, ये हो गया कितना थ्री, समझ में आ रहा है। अब टू और थ्री के बीच में हमको करना है नंबर को रिप्रेजेंट, तो सारे नंबर्स जो रिप्रेजेंट करने हैं देखना जरा, टू और थ्री के बीच में आने वाले हैं, 2.1, 2.2। अब इसके कितने पार्ट्स करने हैं, तो हमेशा इस वाले नंबर्स में, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है ना, तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखना जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये देखो ज़रा, ये इतने पार्ट्स मैंने कर दिया, पहला हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, और इसके क्या हो जाएगा 3.0, करेक्ट। 9 के बाद 11 थोड़ी कर देंगे या 10 थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो वो 10 जब एस जैसी होगा तो 1 कैरी करके इधर ला देंगे, 3.0, करेक्ट। तो ये 2 और 3 के बीच में नंबर्स रिप्रेजेंट करना था। ये रहा हमारा कौन सा नंबर, 2.7, हमने जो रिप्रेजेंट करनी थी वो मिल चुकी है नंबर, यहाँ से रेस करके सीधे यहाँ लिख देते हैं, दिस इज 2.7, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। ओके, तो ये तो डेसिमल वाला हो गया, एनआरटी नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। अभी कुछ नंबर्स और करके देखते हैं, ये तो काफ़ी इजी सा हो गया, छोटा सा नंबर था। अब देखते हैं थोड़ा बड़ा नंबर, इसे थोड़ा सा लेंदी नंबर। ओके, काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा बच्चे, देखो जरा यहाँ पे अगला नंबर है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड पार्ट क्या, 3.27, करेक्ट, ये है 3.27। अब देखना जरा, टू स्टेप्स हमको आगे बढ़ने हैं, एक और दो, यहाँ पे दो बार टू स्टेप्स नीचे आने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास दो बार लगाना पड़ेगा, और दूसरी बार कुछ ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा मैग्नीफाइंग, मतलब कि पावर ज़्यादा लगा करके, ठीक है, बढ़िया दिखाई दे, इसलिए देखना जरा, ठीक है। तो ये रहा नंबर लाइन, समझ में आ रहा है, ओके, ये रहा क्या नंबर लाइन, मिड पे 0, ओके 0, अब इधर 1, 2, 3, डॉट 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 इनफाइनाइट, अपना काम बन रहा है, नहीं बन रहा है, 4 भी चाहिए होगा, चलो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। इधर 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 इनफाइनाइट, ओके, ठीक है। अगला यहाँ पे हमें 3.27 किसके किसके बीच में आने वाला है, 3 और 4, ये दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं, बताओ, इतने छोटे में तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम लोग लगाएंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, इधर आएगा और ये इधर जाएगा। अब यहाँ पे नंबर लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, यहाँ पे आ गया और इधर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया क्या, 3 को मैंने इधर लिख दिया और इधर क्या हो गया, 4, करेक्ट। अब इसके बीच में नंबर्स को करना है रिप्रेजेंट, ओके, 3 और 4 के बीच में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में, बहुत सही, अच्छी जवाब दिए आपने, 1, 2, इस बार थोड़ा दूर दूर कर रहा हूँ, समझ में आ गया था पिछली गलती से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अपने को किससे ज़रूरत थी, 3.2, तो पूरा रिप्रेजेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ एक बार देखते हैं, ठीक है, 3.2 और 3.27 है, तो 27 इसके आगे, इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो 3.2 और 3.3 को फिर से उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, ओके, ये मैंने फिर से उठा लिया इन लोगों को, ओके, ये हो गया और ये हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 3.2, इसी वाले नंबर को तो मैं यहाँ पे कैरी कर रहा हूँ, 3.2, इधर वाला क्या हो जाएगा, 3.3, सही बात है, ओके। थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं लगाया है, थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, लो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए, इधर वाले पे क्या करना पड़ेगा, और बढ़िया मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा, लो थोड़ा सा बढ़िया मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिए हैं, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी हो, और क्लियर दिखाई दे, लो और अच्छे से देखा मैंने इसको जूम करके। अब ये 3.2 हो गया,
क्योंकि अब की बार तो देखो 3.2 और 3.3 के बीच में देखना है ना, थोड़ा सा मैग्नीफाइंग। इसका कोई मतलब नहीं, बस समझने आया कि यहाँ जूम किया जा रहा है, अंदर जा रहा है। इसके नंबर्स तो पता ही है, मैं एक बता रहा हूँ बात, थोड़ा समझने का ट्राई करो, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ये जो 3 है, 4 है, या कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और कैसे नंबर्स, रियल नंबर्स, यानी कि इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके बीच में नंबर्स ही नहीं है, इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स, अब कैसे कैसे नंबर्स, तो इनफाइनाइट नंबर्स जो भी हैं, रेशनल भी है और इरेशनल भी है, दोनों इनफाइनाइट नंबर्स हैं। रेशनल का भी पार्ट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। तो बताओ, कुछ लोग कहते हैं क्या कि यहाँ से इधर राइट साइड में इनफाइनाइट तो ये रहा, तो फिर इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर कहाँ से आया? तो एक्चुअली क्या होता है, देखो कहते हैं ना कि इसके दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, आपने बताया, तो इनफाइनाइट इसके इसके बीच में है या ओवरऑल ये इनफाइनाइट है? एक्चुअली बात ये है कि इसके इसके बीच में जो, अगर मान लो ये 3 और 4 है, इसको हम लोग डिवाइड करें छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो जो नंबर्स काउंट करेंगे वो इनफाइनाइट होंगे। अगर इसको हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 0.0001, 0.00, तो इनफाइनाइट जो नंबर्स हैं वो छोटे छोटे नंबर्स हैं। एक्चुअल में वो टेंड किसकी तरफ कर रहे हैं? 0 की तरफ, स्मॉल वैल्यू की तरफ टेंड कर रहे हैं। जितने भी नंबर्स इसके छोटे छोटे पीसेस हो रहे हैं वो स्मॉल नंबर की तरफ टेंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, समझना, टेंथ में जाकर समझोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लेकिन वो सारे 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं। और ये वाला जो है, ये एक्चुअली में लार्ज नंबर है। इन नंबर जो छोटे छोटे पीसेस हुए हैं, इनको काउंट जब करते हैं, तो ओरिजिनली 1, 2, 3 नहीं, काउंटिंग नंबर का यूज़ करते हैं, वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। लेकिन जो ये पीसेस हुए हैं छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं, ये तो एक्चुअल में 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं। इसके बाद और पार्ट करोगे, और पार्ट करोगे, 0 की तरफ टेंड करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी हो सकते हैं लेवल से ऊपर हो गया हो, पर कोई बात नहीं, टेंथ में जाओगे या इलेवंथ में जाओगे तब काफ़ी समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, समझते हैं, यहाँ पे 3.2 इधर आ गया, 3.3 इधर चला गया। अब इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3.21, 3.22, आगे का समझ में आ रहा होगा, कितने पार्ट्स करने हैं, 10 पार्ट्स करने हैं, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, 3.21, 3.22, बचपन में हम लोग ऐसे ही बोलते थे, 3.33, गलत, 3.23, 3.24, अपने को चाहिए क्या 2.7, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, ओके। तो हमारा जो नंबर था 3.27 वो आ चुका है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो चुका है 3.27, यहाँ से इरेज कर सकते हैं। दिस इज द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो हो गया, ये सारे नंबर्स रिप्रेजेंट हो गए, तो इसी तरह से नंबर किया जाता है। एक और मैं इस पे बता रहा हूँ, बाकी उसके बाद हम लोग आएंगे किस टाइप के नंबर्स पे, यस, रिपीटिंग वाले। रिपीटिंग वाला भी कुछ है नहीं खास, बस उसी समय बता देना चाहिए था मुझे, अभी रेस करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे एक बार, ठीक है। एक ही करूँगा नंबर लाइन पे, लेकिन वो वाला जो रिपीटिंग वाला है, क्योंकि पता ही है रिपीटिंग नंबर्स तो रिपीट करता है, बार बार आएगा, तो हमको बार बार ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास कितने लेके आएंगे, बिक जाएंगे, सही बात है। अच्छा देखना ज़रा, एनआरटी तो हो गया, एक और लास्ट एग्जांपल, 1 नहीं लेते हैं, चलो लेते हैं 1.732, रूट 3 की वैल्यू होती है एक्चुअली, वो रूट 2 की क्या होती है 1.414, और इसकी क्या होती है 1.732, तो ये एक्चुअली नंबर है, रूट 3 की वैल्यू है, पर इसी को उठा लेते हैं, हमको तो रिप्रेजेंट करने से मतलब हमको आना चाहिए, ठीक है। तो देखना ज़रा, एक मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा, ये हो गया हमारा नंबर लाइन, मिड पे 0, समझ में तो आ ही रहा होगा, यहाँ हो गया 1, इधर हो गया क्या 2, इधर डॉट 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 कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, इधर आएगा माइनस का 1, इधर आएगा माइनस का 2, ठीक है, ओके, इधर आ गया फिर माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखना 1.732 को हमको करना है रिप्रेजेंट, ठीक है, 1 यहाँ पे रहा, 2 इधर रहा, इसके इसके बीच में आएगा ही, ठीक है। फिर फैलाते हैं इसको ऐसा, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके, ओके, इधर से आ गया ये गया इधर, ठीक है, इधर गया ये, आ गया इस तरफ, ये चला गया इस तरफ, समझ में आ रहा होगा। देखना ज़रा, ये क्या है 1 और ये क्या है 2, अपने को तो 10 पार्ट्स में डिवाइड करने आ चुका है, क्योंकि हमको डेसिमल में आगे बढ़ना है, तो इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट वाला 10,
तो ये हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, सारे नंबर्स रिप्रेजेंट हो चुके हैं। हमको चाहिए 1.73, यानी 7 के बाद आने वाला है, तो 1.7 और 1.8 के बीच में 1.73 आ रहा है, मतलब 7 से बाद जाना है और 8 से पहले ही आना है, आगे थोड़ी ना कूद जाओगे। तो इधर लगाएंगे थोड़ा सा बढ़िया वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, थोड़ा महंगा वाला, ठीक है, खरीद लिए, ठीक है, बिकने के कगार पर है थोड़ा थोड़ा, ओके, ये चला, इधर गए, ये हो गया हमारा 1.8, इधर क्या रहेगा 1.7, क्या बात है 1.7 है, तो ये 1.7, ये हो गया 1.8। अब इसको भी क्या करना है, फर्दर वही हिसाब किताब जो बार बार कर रहे हैं, क्या 10 पार्ट्स में डिवाइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छोटा होने लगा ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और दूर करते हैं, हमारे पास जगह पर्याप्त है, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा पहले आओ भैया, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट वाला 10। तो ये हो जाएगा 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, डॉट लिख देते हैं, जब इतना लिख दिया तो थोड़ा तीन के लिए क्या डॉट लगाना, 1.77, 1.78, 1.79, ध्यान समझना आ रहा होगा, कुछ है नहीं, बस ये बार बार एक चीज़ करना है, हो गया। यहाँ पे अपने को क्या करना, 1.73, 3 के बाद वाला आएगा, तो यानी 1.73, 1.74, इसके बीच में ही लाई करने वाला है, ठीक है। यहाँ बढ़िया सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, खूब खतरनाक वाला, लो खूब अच्छा सा मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने पकड़ लिया। अब ये वाला कुछ ज़्यादा ही जूम करने वाला है, लो खतरनाक वाला मैग्नीफाइंग ग्लास खरीद लिया मैंने, अब पूरी तरह से बिक गए इतना महंगा ग्लास खरीद के, ठीक है। ये रहा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हो गया, ये हो गया, इरेज कर दिए। यहाँ देखना ज़रा, 1.73, 1.74, दोनों नंबर हमको मिल चुका है, समझ में आ रहा है, 1.73, 1.74, इसके क्या करने हैं, 10 पार्ट्स करने हैं, जैसा मैंने कर रखा था। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। तो पहला पार्ट होगा 1.73, 1, 1.73, 2, 1.73, 3, 1.73, 4, 1.73, 5, आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, पर हमको जो नंबर चाहिए था वो हमारा आ चुका है, दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, देखो जरा यहाँ पे, ओके, दिस इज आवर नंबर 1.732, यही हमको करना था, क्या रिप्रेजेंट हो चुका है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी इजी है, समझ में तो आ रहा होगा, और इसी तरह हम लोग नंबर लाइन पे, अब रिपीटिंग नंबर्स को एक बार देख लेते हैं। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो रिपीट करता है, टर्मिनेट नहीं होता है, समझते हैं। तो जैसे लिख देता हूँ मैं 1.2 पे बार, हाँ ओके, तो बस यहाँ पे करना है क्या, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, बीच पे हो गया क्या 0, 1, 2, 3, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, 1, 2, 3, -1, -2 फिलहाल, ठीक है। हमको तो 1.2 पे बार बार, मतलब बार बार लग गया है, मतलब क्या बार बार आने वाला है, 1.2, 2, 2, 2, लोग बार मत लगाते हैं, अभी नहीं लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो बताओ इनफाइनाइट टर्म्स तक हम थोड़ी ना जाएंगे, नीचे जाते समय हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं ज़रा, बोर्ड मतलब क्या, ये बोर्ड, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं खत्म होगा, वो भी ख़त्म ही हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ 1.2 यानी 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ये मैंने इधर खींचा, इसको मैंने इधर खींचा, मैंने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लिया, लो प्यारा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया मैंने, ऐसे सस्ता वाला, वो जो 10 रुपये का वो खरीदे अगर कंपास तो उसके साथ मिलता था फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे हम लोग कागज़ जलाते थे, जलता ही नहीं था, मुझे लगता था कि लगता है हमारे पास पावर नहीं है, देखना ज़रा, एक्चुअली इसके पास नहीं थी। 1, 2 इधर क्या हो गया, 1 इधर क्या हो गया, 2 करेक्ट। अब इसके बीच में हमको करना है रिप्रेजेंट, समझ में आ रहा है, वही सेम काम करना है जो इसके पहले हुआ करता था, बस आगे डॉट डॉट लगानी पड़ेगी। देखो ज़रा कितने पार्ट्स करेंगे, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पहला हो जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, अपने को तो 1.2 चाहिए था, ये रहा
1.3 ये रहा, इसके इसके बीच में फिर आएगा, तो रिप्रेजेंट नहीं करना है ना इसको, तो बस ऐसे ही कर देना ठीक है। यहाँ से फिर वैसे फर्दर वही हिसाब किताब क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, छोटा होता जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गया 1.2, 1.3, 10 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, आगे लिख लेना ठीक है। ये 1.22 आ चुका है, 1.23 है, इसको फर्दर ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, फिर इधर करेंगे, फिर वही 10 पार्ट, इधर 1.2, दो ही पार्ट तक लाएंगे, उसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं। पर मैं एक स्टेप और लेके जाता हूँ ठीक है, आफ्टर डेसिमल 2 पॉइंट्स तक लेके गए, उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे, सेम टू सेम एंड सो ऑन बोला जाता है, 1, 2, 3 ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पहला हो जाएगा 1.221, ये हो जाएगा 1.222, इसी को डॉट डॉट ऐसे कर देंगे, यही हो गया, इसी तरह से ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया ठीक है। तो 1.2727 अगर करेगा तो इधर 2, इधर 7, उधर 2, 7, 2, 7, ऐसे ऐसे होते जाएगा, एक बार इधर होगा, एक बार उधर कूदेगा, एक बार इधर, ऐसे तो लगातार एक ही तरफ होते जा रहा है, उसमें क्या होगा, उधर इधर उधर इधर ऐसे होते रहेगा कंटिन्यूसली ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट क्या ही करना, समझ में आ रहा होगा ओके ठीक है। तो इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करते हैं रिपीटिंग नंबर्स को। एक और देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद। ये रहा 1.27 पे बार, मतलब क्या है ये 1.27, 27, 27 डॉट डॉट आने वाला है ठीक है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं एक ही बार कर दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा क्या 0, 1, 2, 3 किसके बीच में आएगा 1.27, तो यहाँ हो गया 1, इधर हो गया 2, इसको यहाँ से खींचेंगे इधर की तरफ ठीक है, देखना ज़रा, यहाँ हो गया 1, इधर हो गया क्या 2, इसके बीच में 10 पार्ट्स करेंगे तो 1.2 रिप्रेजेंट होगा पहले, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब यहाँ पे 1.2 ये रहा, 1.23 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, हमको तो इसकी ज़रूरत ही, हम लोग इसी को लेके चलते हैं। चलो इसके अब 10 पार्ट्स ऐसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2, इधर क्या हो जाएगा 1.3 करेक्ट, देखना ज़रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। यहाँ पे 1.21, 1.22, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 डॉट 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 इधर भर लेंगे ठीक है। हमें क्या चाहिए 1.2, अरे नहीं मेन चीज़ तो छोड़ के जा रहे हैं, 1.27, 1.28, 1.29 इस तरह से हो गया। हमें क्या करना है 1.27 यहाँ इसको और 1.28 इधर, फिर इसको अब हमें ऐसे आगे बढ़ाना है ठीक है। तो यही दो बार, एक बार तो हो चुका है, एक बार ऐसे सेम टू सेम करके जब जाएंगे तो उसके बाद उसके आगे क्या कर देंगे डॉट डॉट लगा देंगे, हमारा नंबर लाइन पे वो नंबर क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट है, मतलब वही है, आगे चलते चले जाएंगे, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। 1.27, 1.28 इसी तरह से एक बार और, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट एक बार और करना है, उसके बाद से डॉट डॉट लगा देंगे, वही हो गया हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट।